अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी मोहम्मद नवीद कुरैशी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डेली इनसाइट। मैं आज मौजूद हूँ फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक शॉप पे। ये भाई तकरीबन 18 साल से जो है वो इलेक्ट्रिक बिज़नेस कर रहे हैं। इस बिज़नेस को आप किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, इंशाल्लाह इस वीडियो में आप ये सब डिटेल जान सकेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि इस बिज़नेस के हवाले से आपको बेहतर मालूमात मिल सके। अस्सलामु अलैकुम जावेद भाई। जी वालेकुम सलाम भाई। जावेद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप हैं। जावेद भाई आपका मैं बहुत मशहूर हूँ, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो बिज़नेस से निकाल के मुझे और मेरे नाज़रीन के लिए आपने टाइम वक्त किया, इसके लिए मैं मशहूर हूँ। अच्छा जावेद भाई, मुझे सबसे पहले ये बताएंगे जो इलेक्ट्रिक शॉप है, ये काम आप तकरीबन कितने अरसे से कर रहे हैं? ये तकरीबन मैं 18 साल 2004 से स्टार्ट किया था। 2004 से जी तकरीबन 17-18 साल हो गए हैं। 17 से 18 साल आपको इस काम को करते हुए हो गए हैं, ठीक हो गया। ये बिज़नेस करने के लिए ये जो इलेक्ट्रिक का सामान है, इसमें मोटी मोटी चीज़ें आप बता दें। मोटी मोटी चीज़ें यही हैं कि आप किसी अच्छी लोकेशन पे आप जगह लें, दुकान लें, ठीक है, और दुकान ले के उसमें आप माल डालें और परचेजिंग जो है वो आप अच्छी से अच्छी करें। अच्छा, इसमें जो आइटम्स हैं मेन कौन कौन से आइटम्स आते हैं? मेन आइटम्स इसमें तार है, वायरिंग वाली, चाइना फिटिंग वगैरह है, शीटें हैं, अपना बल्ब हैं, और मुकम्मल एक्सेसरी तकरीबन सारी जो इलेक्ट्रिक में अमूमन इस्तेमाल होती है। आप इसको शॉप के स्टार्ट में स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं ये जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं, ये आप कहाँ कहाँ से किस किस शहर से खरीदते हैं? ये हम ज़्यादातर जो सामान है वो हमारा लाहौर से आता है, शालम मार्केट से। ओके, ठीक है। और जो बैकोलाइट एक्सेसरीज हैं वो अब हमारी आती हैं सरगोधा से, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चाइना के इम्पोर्टर हैं, ठीक है, हम उनसे परचेज़ करते हैं। ठीक हो गया। हमारी ये नाजरीन जो इन भाई की शॉप है, जो वीडियो हम बना रहे हैं, वो इनकी शॉप मौजूद है खन्ना पुल रावलपिंडी, इससे थोड़ा सा ही डिस्टेंस पे मौजूद है रावलपिंडी वाली साइड। तो मुझे नेक्स्ट ये बताएं, ठीक है, एक बंदा है उसने मतलब न्यू शॉप बनानी है, ठीक है, तो उसको यानी ये आइटम जो आपने बताए हैं ये उसको रखने पड़ेंगे, चाहे वो कम क्वांटिटी से स्टार्ट कर ले। मुझे आप ये बताएं जो शॉप का है आपका एरिया ये कितना है? ये तकरीबन 30 फुट लंबी है शॉप, ठीक है, ठीक है, और 14 फुट खुली है। 14 फुट खुली? हाँ जी। ठीक हो गया, यानी तकरीबन अराउंड 400 स्क्वायर फीट। जी जी, ठीक हो गया। जावेद भाई, ये जो इलेक्ट्रिक के आइटम्स हैं इनमें प्रॉफिट मार्जिन की रेशो क्या है? देखिए, ये चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है, हर एक चीज़ में मुख्तलिफ मार्जिन है, ठीक है, किसी में 25% है, किसी में 10% है, किसी में 40% है, ठीक है, इतना तकरीबन इनमें मार्जिन होता है। अगर हम बात करें तो कितना मार्जिन है? तकरीबन 30% आप कर लें, 30%, ठीक है, ठीक है। लेकिन जिस तरह हमारे ये मुल्क का निज़ाम चल रहा है, आए दिन रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो जो परचेजिंग है जितनी आप अच्छी करेंगे तो ये 50% तक भी मार्जिन जाता है। ओके, ठीक हो गया। दूसरा, आप मुझे इसमें ये क्लियर कर दें, जो न्यू लोग काम करना चाहते हैं उनको आप इस हवाले से क्या रहनुमाई देंगे? न्यू लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि वो अच्छी लोकेशन का इंतखाब करें, जहाँ पे मतलब जगह अच्छी हो, जिस पे जगह पे वो दुकान अपनी लें, ठीक है। उसके अलावा आप अच्छी दुकान की सेटिंग बनाएं, ठीक है, और जो परचेजिंग है वो कोशिश करें कि इम्पोर्टर से या मैन्युफैक्चरर से करें। आप डीलर से करेंगे तो आपको वो मार्जिन बीच वाला आपका वो ले जाएगा। आप जितना आप मतलब मैन्युफैक्चरर और उसके पास आप जाएंगे, आपको वो सेंटर वाला मार्जिन भी आपको मिलेगा। अच्छा जी, यानी आपकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी ये चीज़ कि कितना एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए इस काम? एक्सपीरियंस की इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती इस काम में, ठीक है। आप कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि ये एक्सेसरीज़ क्या क्या इसमें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, ठीक है, चीज़ों के बारे में। बाकी जब आप ख़रीदेंगे ना चीज़, आप परचेज़ करने जाएंगे तो जो मैन्युफैक्चरर होगा वो इसकी कमी बेशी आपको ख़ुद ही बताएगा कि ये चीज़ इसमें ये मसला है, ये इसलिए सस्ती है, ठीक है, और ये जो चीज़ है इसमें ये महंगी है, ठीक है। तो वो आपको स्पेसिफिकेशन जो होगी वो आपको ख़ुद ही वो बता देंगे, आपको साथ साथ एक्सपीरियंस भी होता जाएगा।
अच्छा मुझे ये बताएं, ये तो एक वे से होगी आपकी अर्निंग, प्रॉफिट, आपने चीज़ें सारी बता दी और रहनुमाई कर दी। मैंने अमूमन देखा है कि जो एम्प्लाई आपने रखा होता है साथ, जब आपका काम बढ़ता है अमूमन, तो इसको एक बंदा भी जी एक बंदा चला सकता है। अगर आपने एम्प्लाई रखा हो तो आप, मैंने ये चीज़ नोट की है, लोग घरों में जो इलेक्ट्रिक का वो काम करवाते हैं, नया घर बनाते हैं, या दूसरा ये कि जो डेली बेस पे कोई ना कोई छोटा मोटा फॉल्ट आता है उसको, वहाँ से कितनी अर्निंग आप ले सकते हैं? अगर अच्छा वहाँ से भी अच्छा अच्छी अर्निंग हो जाती है, ठीक है ना। एक जो मतलब एक बंदे अगर आपने रखे हुए हैं, ठीक है, तो उनको सबको तनख्वाहें शनख्वाहें दे दिला के जो ना आप 1-1.5 लाख रुपया भी आप कमा सकते हैं इसके लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर आपका जो नेटवर्क अच्छा है ना, मतलब आपके पास लेबर अच्छी है, ठीक है। ये काम पे डिपेंड करता है, ठीक है। जितना आप अच्छा काम लेंगे, लोगों के साथ अच्छा आप काम करके उनको देंगे, तो उस हिसाब से आपको मार्जिन मिलेगा। तकरीबन मिनिमम कितने पैसों से काम स्टार्ट हो सकता है? मिनिमम ये है कि देखें, आप जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, जितना आपके पास पैसे हैं, आप अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट कर दें, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपका जो बढ़ता जाएगा। आपको इंटरप्ट किया, ये जो शॉप में सामान है इलेक्ट्रिक का, अगर मैं पूछूं तो तकरीबन कितने का पड़ा हुआ है इसमें? इस टाइम तकरीबन 85 लाख तक पड़ा हुआ है। 85 लाख का जस्ट इलेक्ट्रिक? जी अभी पड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक, और हमारे पास स्पेयर पार्ट भी होता है, अनेमल वायर वगैरह भी होती है मोटरों का, क्योंकि वो ज़रा कास्टली है, ठीक है, तो इस वजह से उस पर इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर इलेक्ट्रिक का जस्ट बात करें तो वो कितना? इलेक्ट्रिक आप 20 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। 20 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो 20 लाख से अगर कोई काम स्टार्ट करे तो ये जो 1.5 लाख आप बता रहे हैं उसमें ये आप इतना प्रॉफिट मंथली आप देखें, अगर आप 20 लाख, अगर आप 20 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, ठीक है, तो आपका टर्नओवर अच्छा चल रहा है, सर्कुलेशन आपकी अच्छी चल रही है, ठीक है, तो आप तकरीबन महीने का 2-2.5 लाख रुपये आराम से कमा सकते हैं, ठीक है। और जो अगर इसमें से प्रॉफिट निकाला जाए, ठीक है, तो वो आप मतलब 1 लाख रुपये अपनी प्रॉफिट कर लें, और बाकी अपना जो सामान में जो चीज़ें बढ़ेंगी वो अलग होंगी, वो आप आगे उसमें ऐड। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को इतना अच्छा रन कर रहे हैं। अच्छा, लास्टली फिर एक बार फिर मेरे जो सुनने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए आप क्या खुशी मैसेज देंगे जो इस काम को करना चाह रहे हैं, कि डीलिंग उनकी कैसी हो, ये सारी चीज़ें एक बार उनको बता दीजिए। देखें, उनको सबसे पहले मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जब आपके पास कस्टमर आए, आप उनके साथ खुश अखलाक के साथ पेश आएँ, उनको अच्छे तरीके के साथ चीज़ों के बारे में बताएं, रेट अपने मुनासिब रखें, ठीक है, और कम मार्जिन रखें, ठीक है, और ज़्यादा सेल करें। जब आपका मार्जिन आप कम रखेंगे, ज़्यादा सेल होगी, तो प्रॉफिट रेशियो आपकी उधर ही पहुंच जाएगी। ओवरऑल ये बिज़नेस कैसा है? बिल्कुल, ओवरऑल ये बिज़नेस कैसा है? ओवरऑल बिज़नेस ये बहुत अच्छा है, मज़ेदार बिज़नेस। बहुत शुक्रिया जावेद भाई, आपने अपना कीमती वक्त से टाइम दिया, वंस अगेन आपका मैं मशहूर हूँ। फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा ये बिज़नेस कैसा है। फर्दर मैं इसमें जो 2-3 चीज़ें एडअप कर देता हूँ, फर्स्टली तो ये है कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपका कम से कम 6 माह से 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मार्केटिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप अच्छा अपना रवैया रखते हैं कस्टमर्स के साथ और बिज़नेस को समझ के प्रॉफिट जैसे जैसे आपको आता है आप इसको अपग्रेड करते हैं तो आप आगे जा सकते हैं। नंबर 3 ये है, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से करते हैं। ये कम से कम आप 5 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 15 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लास्टली ये है कि जो जो शॉप्स हैं इनकी लोकेशन डिपेंड करती है रेंट के हवाले से, जितनी आप अच्छी लोकेशन लेंगे उसका रेंट ज़्यादा होगा। तो ये आपको चूज़ करना है कि आप किस एरिया में काम करना चाह रहे हैं, कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है। इस वीडियो के हवाले से कोई कमेंट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह बरवक्त इसका आपको जवाब दूंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।